हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और मेरा चैप्टर क्या है? मेरा चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। ओके, इसमें से बैलेंस कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को और क्यों बैलेंस करेंगे ये हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और समझिए कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को और क्यों बैलेंस करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम क्यों बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, क्यों बैलेंस करेंगे, क्या कारण है। तो आप जानिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही लॉस होता है, मास का ना तो लॉस होता है और ना ही मास क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑब्वे हो, इसका पालन हो, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और आप दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं एटॉमिक थ्योरी। ये देखिए एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का ना तो लॉस होगा और ना ही उसका क्रिएशन होगा, ना तो वो क्रिएट हो सकता है और ना ही उसका लॉस किया जा सकता है। ये कौन कहता है? एटॉमिक थ्योरी कहता है। ओके, तो एटॉमिक थ्योरी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ऑब्वे हो, इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। चलिए इसको हम और बेहतर विषय समझते हैं एक उदाहरण को लेकर के। चलिए मैंने आपके पास एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं नाइट्रोजन गैस रिएक्ट किया करता है हाइड्रोजन गैस से और क्या फॉर्म होता है, तो ये बनाया करता है अमोनिया। ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को, आप देख रहे हो नाइट्रोजन में कितने एटम्स है, रिएक्टेंट साइड में टू एटम्स है और प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स है, केवल वन एटम्स है। देखिए ओनली वन एटम नाइट्रोजन के। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक एटम का लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है और रिएक्टेंट साइड में मेरा टू एटम्स है। ओके, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब एटॉमिक थ्योरी मेरा क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का ना तो लॉस होगा और ना उसका क्रिएशन होगा। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। एक और कह रहा है एटॉमिक थ्योरी। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का ना तो लॉस होगा और ना ही उसका क्रिएशन होगा। तो हमको एटॉमिक थ्योरी पालन करना पड़ता है, पालन करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स होंगे उसकी संख्या बराबर करनी होती है। क्यों करने होते हैं समझ गए? टू ऑबे एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसका एक जनरल मेथड है, उसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड, ये देखिए हम इस मेथड का यूज करेंगे अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक करके एटम्स की संख्या को काउंट करते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, और फिर जिधर कम पड़ जाता है उधर सफिशियंट कोफिशियंट लगा करके हम बैलेंस किया करते हैं। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन के टू एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मेरा केवल एक ही एटम है। तो हमको क्या करना चाहिए? कोफिशियंट हम यहाँ पे टू पुट करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि आप फॉर्मूला को अल्टर नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला को आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते, बॉक्स में पैक कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। केवल आप कोफिशियंट लगा करके आपको इक्वल करना है एटम्स की संख्या को। चलिए तो टू जब मैंने यहाँ पे कोफिशियंट लगा दिया तो जो आप कोफिशियंट पुट करोगे उसका इसके सबस्क्रिप्ट में जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू वन जो टू एटम्स हो गए किसके? नाइट्रोजन के। ध्यान दीजिए टू वन जो टू एटम्स हो गए नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है? टू एटम्स पहले से प्रेजेंट है। इट मीन्स नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन के एटम्स बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं किसके? तो हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में? टू एटम्स है, और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हो गए? ध्यान दीजिएगा ये कोफिशियंट और ये सबस्क्रिप्ट जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो टू थ्री कितना हो गया मेरा?
टू थ्री जा सिक्स एटम हो गए किसके, हाइड्रोजन के, कहां पे, प्रोडक्ट साइड में। तो हमको रिएक्टेंट तरफ क्या करना चाहिए, यहां पर हमको कोफिशियंट थ्री लगाना चाहिए। ये देखिए, जब आप कोफिशियंट को थ्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एटम हो चुके हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में और सिक्स एटम हो चुके हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में, मतलब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से जब हम बैलेंस करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, समझ गए। चलिए इसका फिजिकल एस्टेट को हम दिखा सकते हैं, ये मेरा गैसेस एस्टेट में हुआ करता है, ये भी गैसेस एस्टेट में हुआ करता है और ये भी मेरा गैसेस एस्टेट में हुआ करता है। तो इसका जो फाइनल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, देखिए तो एन टू एच टू और ये एन एच थ्री, ओके, यहाँ पे कोफिशियंट में टू और यहाँ कोफिशियंट में थ्री, ये गैसेस एस्टेट में होगा, ये भी मेरा गैसेस एस्टेट में होगा और ये मेरा गैसेस एस्टेट में होगा। अब देखिए दोनों तरफ एटम्स, जितने भी एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल हो चुके हैं, तो एटॉमिक थ्योरी का यहाँ पर पालन हो जाता है। तो एटॉमिक थ्योरी का पालन हो तो ऑबेमिक थ्योरी वी शुड बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, समझ गए क्यों बैलेंस करेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे ये भी आप समझ गए। चलिए मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। है कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया करता है तो क्या बनाया करता है, ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाया करता है, ये बनाया करता है कॉपर नाइट्रेट सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस और आपका सिल्वर अलग हो जाया करता है, ओके। तो सबसे पहले आप इसका फिजिकल स्टेट को लगा दीजिए। तो फिजिकल स्टेट कॉपर में है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होगा इसका स्मॉल एस, और ये सिल्वर नाइट्रेट मेरा एक्वस सॉल्यूशन में होगा यानी कि वाटर के साथ डिजॉल्व है, तो एक्यू लगाएंगे और कॉपर नाइट्रेट भी मेरा एक्यू में होगा और सिल्वर मेरा सॉलिड स्टेट में हुआ करेगा, हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को, ये देखिए ऑक्सीजन है मेरा, यहां भी ऑक्सीजन के एटम्स, ओके। चलिए तो हम काउंट करेंगे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए थ्री एटम्स ही है, चूंकि यहां कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो क्या हो गया थ्री एटम्स ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ब्रैकेट लगाए हो ये ब्रैकेट कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में टू है और इसके साथ सबस्क्रिप्ट में थ्री है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे थ्री टू जा सिक्स, इट मीन्स सिक्स एटम होगी किसके, ऑक्सीजन के, और यहाँ पर मेरा थ्री एटम्स ही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कोफिशियंट में यहाँ पे हम टू पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा जो कोफिशियंट हम यहाँ पुट किए और जो मेरा सबस्क्रिप्ट नंबर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एटम्स होगी ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड और सिक्स एटम होगी ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड, इस तरह से मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चलिए दूसरे एटम की बात करें, सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर मेरा यहाँ कितना लिखिए टू वन जा टू, टू एटम्स है सिल्वर के और प्रोडक्ट साइड मेरा एक ही एटम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट में टू पुट करेंगे, तो कितना हो गया मेरा टू एटम्स हो गए सिल्वर के प्रोडक्ट साइड और टू एटम्स हो गए सिल्वर के रिएक्टेंट साइड, मतलब सिल्वर के एटम्स भी बराबर हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन देखिए कितने हैं टू वन जा टू, चूंकि यहाँ पर वन है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो टू वन जा टू नाइट्रोजन एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, देखिए यहाँ पर वन है ब्रैकेट लगा हुआ है टू वन जे टू, मतलब नाइट्रोजन के एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं। और लास्ट में बच गया मेरा कॉपर, कॉपर के कितने एटम्स है यहाँ पर केवल वन एटम है और यहाँ भी वन एटम है, तो कॉपर में मेरा बैलेंस हो गया। और इस तरह से हम एक एक करके सारे एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं और ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, समझ गए। चलिए अगला रिएक्शन लेता हूं मैं आपके लिए, ये है लेड नाइट्रेट, देखिए पी बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, ओके। आप अगर इसको हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे हीट करेंगे, तो क्या बना करेगा, ये बना करता है
लेड ऑक्साइड PbO ओके, और क्या बना करता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना करता है और ऑक्सीजन गैस भी बना करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट लिख देते हैं आपके लिए। तो चलिए, ये जो लेड नाइट्रेट है इसको हम सॉलिड स्टेट में लिया करेंगे, तो ये हो गया यस ओके। लेड नाइट्रेट कैसा हो गया, सॉलिड स्टेट में लिया करेंगे। इसको हीट करेंगे तो ये भी मेरा सॉलिड स्टेट में आया करेगा, और ये मेरा गैसियस स्टेट में मिलेगा, और ये मेरा गैसियस स्टेट में मिलेगा। चलिए फिजिकल स्टेट हम लोग दे दिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को बैलेंस करना है एक एक करके सारे एटम्स को, कौन से मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। चलिए बैलेंस करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहिए। अगर इक्वेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमको क्या करना चाहिए, पहले ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमको फायदा होगा। तो हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, रिएक्टेंट साइड देखिए तो 3 × 6 एटम्स है ऑक्सीजन के ओके। और प्रोडक्ट साइड बात करें तो यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे 1 एटम, मतलब टोटल हो गए 5 एटम। तो आप क्या करो, यहाँ पे कोफिशियंट में 2 पुट करो, तो आपका क्या होगा, देखिए 2 × 2 2 × 2 टोटल 6 एटम हो गए हैं आपके, टोटल 6 एटम हो चुके हैं किसके, ऑक्सीजन के, किधर, प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड भी आपका 6 एटम्स है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। दूसरा हम बात करते हैं लेड की ओके, लेड नेट लेड की, तो लेड के कितने एटम्स है यहाँ पर, केवल 1 एटम है यहाँ पर, देखिए प्रोडक्ट साइड में बोलिए 1 एटम, और सॉरी रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, तो 2 एटम्स है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ कोफिशियंट में 2 लगाना चाहिए, तो इससे क्या हो गया मेरा 2 × 2 2 एटम्स हो चुके हैं लेड के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मेरा 2 एटम्स है लेड के। तो इस तरह से मेरा लेड भी बैलेंस हो गया। तो आप जो बैलेंस हो गया है उसको आप टिक लगा दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस, लेड बैलेंस। अब नाइट्रोजन की बात करें, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है सबस्क्रिप्ट में, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट में 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 नाइट्रोजन के एटम्स है, और कोफिशियंट भी 2 लगा हुआ है, तो कोफिशियंट से फिर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 × 4, तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स, ध्यान दीजिए प्रोडक्ट साइड केवल आपका 1 ही एटम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, जब आप 4 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, 4 एटम्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के। इस तरह से नाइट्रोजन के एटम्स आपके बैलेंस हो जाते हैं, 4 एटम्स यहाँ पर और 4 एटम्स यहाँ पर, तो नाइट्रोजन भी आपका क्या हुआ, बैलेंस हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हमको चेक कर लेना चाहिए जब हम रिएक्शन को छोड़ रहे हैं। चलो पहले ऑक्सीजन है चेक कर ले, तो 3 × 6 and 6 × 12 12 एटम्स रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 here 4 × 8 here and 2 here, टोटल 12 एटम्स, मीन्स ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ लेड, लेड इज 2 एटम्स here 2 एटम्स here, कितना हो गए, ये बैलेंस हो गए। और नाइट्रोजन 2 × 2 2 × 4 4 एटम्स यहाँ पर और 4 एटम्स यहाँ पर, तो नाइट्रोजन में मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि इक्वेशन मेरा पूरा बैलेंस हो जाता है ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग वीडियोज ऑन माई चैनल।